पूरे मैच में बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी दोनों में हावी रहा। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये, क्योंकि ये तो पूल मैचेस जो है उसके बाद भी हुआ यही था कि कल भी हमने डिस्कस ये किया था कि देखिए इंडिया की टीम जो है वो बहुत अच्छी मंजी भी टीम है और उनके पास टीम जो है वो 300 वाली और प्लस 300 राइट, क्योंकि उनके सॉलिड बैट्समैन है। एक भी बैट्समैन खेलता है वो पूरा, यानी कि उन्होंने अपनी वनडे क्रिकेट इतनी ज्यादा खेली आईपीएल और ऑल द टाइम, इनकी वनडे के लिहाज से टीम बड़ी सेट है, बहुत अच्छी है। इनके पास फील्डिंग भी बड़ी अच्छी आ गई है, बैटिंग भी अच्छी आ गई, और देखिए जो भी प्लेयर इस वक्त इंडिया के पास जो खेल रहा है वो ऑन मेरिट खेल रहा है। अब वो टाइम चलेगा पहले के नाम पे खेले जाना फेल हो रहा है, अब इनके ऊपर इतने प्लेयर्स आ गए, इतना प्रेशर आ गया है कि दे कांट अफोर्ड। जो भी लड़का खेल रहा है उसको ये पता है अगर उसने परफॉर्म नहीं किया ही माइट बी आउट ऑफ द टीम। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज ये रही इंडिया की टीम की कि शुरू के मैचेस में ऊपर का जो ऑर्डर था वो बहुत कामयाब रहा, और अब जितने मैचेस हो रहे हैं इसमें लोअर ऑर्डर जो है वो नहीं, जितने भी बैट्समैन है बड़े सॉलिड बैट्समैन है, और ये वो बैट्समैन है कि इनके ये कितने बैट्समैनों के बाद ये प्लेयर जो है इस वक्त खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शुरू में जो प्रॉब्लम थी और जिस तरीके से परफॉर्म किया, अब इनका जो मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो काफी हाई हो गया, बेहतर हो गया, और ये टीम ऐसी लग रही है कि किसी भी टीम को जो है ना आसानी से जीतने नहीं देगी। वो इंजॉय कर रहे हैं, वो इसको प्रोफेशनली ले रहे हैं, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स इतने ऊंचे ले गए के और खुद ही अपना बार रेस करते रहते हैं, और एक दूसरे से फ्रेंडली कंपटीशन। तुमने 100 किया आज मैं करूंगा। अच्छा, ये कंपटीशन आईपीएल की वजह से भी हुआ है? जरूर हुआ है। आईपीएल का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसमें, ऑल्दो इट्स 2020 क्रिकेट, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स आए, कंसल्टेंट्स आए, कोचेज आए। अब शेन वॉन जैसा बैट्समैन जो क्रिकेटर है, प्लेयर ऑफ द सेंचुरी, उसने एक दो सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला, फिर उनको कोच किया, और बल्कि पहले सीजन में ही इसने कहा कैप्टन भी मैं आऊंगा, कोच भी मैं आऊंगा। अब जिस टीम को शेन वॉन जैसी इनपुट मिले, टॉम मूडी वहां बैठे हुए, वसीम अकरम की उसकी अपनी वैल्यू है, वो जो कोलकाता राइडर्स खेल रहा है वो, उसकी जो एडवाइस है ऑन बॉलिंग उससे आप देखें इनके बॉलर्स इंप्रूव हैं, और शामी वगैरह सबने एडमिट किया है कि हम वसीम अकरम से टिप।